तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले एक सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या है कि ये YDSC का एक्सपेरिमेंट है, उसे रिलेटेड सा। इन YDSC डबल एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट्स ऑफ वेवलेंथ, मतलब टू स्लिट्स आर इम्यूलेटेड। जो लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है वो 800 नैनोमीटर है, समझ में आया। एंड द सेपरेशन ये कैपिटल डी दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ द ए क्या है, स्लिट के बीच का सेपरेशन, तो ये हमें निकालना। और डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है। तो ये सब दिया हुआ, ये कंडीशन दिया हुआ, इफ़ द फर्स्ट मिनिमा डिटेक्टेड एट पी। और ये देखो, ये एक स्पेशल पॉइंट पी है, इस पे फर्स्ट मिनिमा मिला है भाई। तो ये जो स्लिट है, स्लिट के बीचों बीच ये जो सेपरेशन है, ये वाला आप सबको पता होगा कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पी, द वैल्यू ऑफ द हाँ द वैल्यू ऑफ द स्लिट ए। अब देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है A1P परपेंडिकुलर टू A1A2, मतलब A1A2 के परपेंडिकुलर है, ए एंगल 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, समझ में आया। तो देखो फर्स्ट मिनिमा बना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन गेम क्या होता है भाई, पाथ डिफरेंस का। तो अगर हम पाथ डिफरेंस निकालने में सक्सेस हो गए तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस बिटवीन द A2P माइनस A1P, ये बात अगर समझ में आ गया तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ से तुम देखोगे ये जो स्लिट है, ये वाला जो सेपरेशन है, ये यहाँ से तुम अगर देखोगे तो ये एक रे यहाँ से गई और एक रे यहाँ से गई, तो पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ए है, तो ए तो A/2 हो जाएगा, तो ये वाली A/2 आ जाएगी डिस्टेंस यहाँ से। तो ये तो डी है, ये 90 डिग्री है, एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई। तो ये A1 है और ये अपना A2 है और ये पॉइंट P है यहाँ से। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूँगा तो पाथ डिफरेंस मिनिमा का इन जनरल कितना होता है भाई, E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2n सॉरी ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। ये अब फर्स्ट मिनिमा के लिए रखोगे तो n की वैल्यू क्या मैं पढ़ाया हूँ, 0, 1, 2, 3 से चलता है मेरे, मैं जो पढ़ाया हूँ भाई। तो उसमें फर्स्ट मिनिमा के लिए अगर देखोगे तो फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन रखोगे तो मेरे जो पढ़ाए हुए में फर्स्ट मिनिमा n = 0 पर होता है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू A2P माइनस A1P की जो वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 0 रखोगे तो λ2 आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, ये ज्योमेट्री से ये A2P निकाल लो। तो A2P कितना आ जाएगा यार मेरे भाई, तो A2P देखो, A2P निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये पूरा का पूरा सेपरेशन कितना है, डी, और ये सेपरेशन है ए। तो A2P की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से D² + A² √, है ना, मजा आ गया होगा, माइनस A1P D दिया हुआ, दैट इज λ/2। और यहाँ पर हम सबको पता, अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल डी यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 + A² / D² और ये सब कुछ 1/2 पावर और माइनस डी, ठीक है ना, ये रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज λ/2 यहाँ से। तो तुम अगर यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो बाइनोमियल अजम्पशन लगा देता हूँ मैं, डी यहाँ से भाई, एक मिनट, यहाँ से A² + D² बाइनोमियल अजम्पशन लगा दूँ यहाँ से, तो ये वाली जो चीज़ है इस पूरे में से ये कॉमन ली गई है, समझ में आ रहा है ये, इस पूरे में से। तो इस पूरे में अगर मैं बाइनोमियल अजम्पशन लगा देता हूँ तो ये 1 + A² / 2D² 1/2 खुद के सामने आ जाएगा और माइनस डी दैट इज इक्वल टू λ/2। बिकॉज मैं यहाँ ये जो स्मॉल ए है, सेपरेशन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए बहुत बड़ा है तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, तो बाइनोमियल अजम्पशन में चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से डी और प्लस यहाँ से A² / यहाँ से 2D बच जाएगा और यहाँ माइनस डी रहेगा और ये आ जाएगा λ/2। तो ये डी ने डी को ख़त्म कर दिया, अब हमें ए चाहिए।
तो यहाँ से ये टू ने टू को ख़त्म कर दिया, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा डी अंडर रूट। तो जो अब लैम्डा डी अंडर रूट, अब टाइम आ गया है कि कलर चेंज कर लूँ तो थोड़ा आपको ज़्यादा फील आएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो 800 नैनोमीटर है, 810 की पावर माइनस 9, और डी की जो वैल्यू है, अरे भाई हाँ, डी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10 की पावर माइनस 2 अंडर रूट। तो अगर मैं यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 40 × 10 की पावर 7 और ये 9, ठीक है, 10 की पावर यहाँ से आया है ना, हाँ 10 की पावर माइनस, देखो ये माइनस 2 इस माइनस 2 को खा गया, तो 10 की पावर 9 और ये अंडर रूट। तो जब मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, 0.2 मिलीमीटर, ठीक है ना, 0.2 मिलीमीटर, ठीक है, लिख सकते हो बड़े आराम से। अरे भाई 0.2 × 10 की पावर मिलीमीटर ना, तो 10 की पावर 2 मीटर। तो देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है, तो अगर तुम देखोगे 0.2 मिलीमीटर, तो ये 0.2 मिलीमीटर मतलब 0.2 मिली मतलब 10 की पावर 3, समझ रहे हो ना, बड़े आराम से लिख सकते हो, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना, मिलीमीटर है ना, तो 0.2 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर हो गया, और अगर 10 से ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2 × 10 की पावर -4 मीटर लिख ही सकते हैं, तो ये वाला यही वाला तो है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।